दोस्तों टाइटल और थंबनेल में आप लोगों ने देखा कि वहां पर लिखा है कि इस महीने अगर आप लोग अगर डिफॉल्ट हो, अगर आप लोगों का ओवरड्यू हो चुका है, इस महीने आप लोग रिपेमेंट नहीं किए हो तो आप लोगों को बहुत बड़ा मुसीबत जो है झेलना पड़ सकता है। दोस्तों आज आप लोगों को कुछ ऐसा ही इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं इस वीडियो के थ्रू। वीडियो पूरा एंड तक देखिए बिना स्किप किए। अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए हो तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों यहां पर जो भी टाइटल और थंबनेल में देखने को मिला कि इस महीने से जो भी है, अगर आप लोग डिफॉल्टर हो, अगर आपका ओवरड्यू है तो आप लोगों को बहुत बड़ा मुसीबत हो सकता है। देखिए दोस्तों यहां पर मानो आप लोग लोन लेते हो कोई भी लोन एप्लीकेशन से जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और ये प्ले स्टोर का अवेलेबल एप्लीकेशन क्या होता है, इंस्टेंट आप लोगों को लोन प्रोवाइड करता है, चुटकी में 5-10 मिनट के अंदर लोन प्रोवाइड कर देता है। और इसी तरीके से आप लोगों को लोन मिला भी होगा, आप लोगों ने अप्लाई किया, उसमें आपने अपना नॉर्मल से KYC डाला है, पैन कार्ड आधार कार्ड का डिटेल्स डाला है, फोटो डाला है, आपका सेल्फी डाला है, आपका सिविल थोड़ा सा सही था 750 के आसपास, और क्या हुआ आपका बैंक अकाउंट डाल दिया, आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो गया। जब लोन आपको मिला था तब क्या हुआ कि आपने धड़ाधड़ बहुत सारे लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर दिया कि भाई मुझे पैसा मिला है, चलो भाई और भी कुछ लोन एप्लीकेशन में अप्लाई करता हूँ तो मिलता है कि नहीं मिलता है देख लेता हूँ। तब आपका सिविल में कोई भी ऐसा रिपोर्टेड नहीं था कि आप लोगों का ओवरड्यू है, सेटल्ड है, इस तरीके का कोई भी वहां पर शो नहीं करता था। तब क्या हुआ, जितने भी लोन एप्लीकेशन में आपने अप्लाई किया सभी में से लोन आपको मिल गया। अब इससे क्या हुआ कि आप लोगों का लोन अकाउंट तो बढ़ गया, सिविल भी वहां पर जो है डैमेज धीरे धीरे हो गया। अब क्या हो रहा है कि आप लोग अगर लोन लेने जा रहे हो तो आप सिविल के लिए आप लोगों का लोन ज्यादा से ज्यादा जो है रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, इसी के लिए जो है आप लोगों का लोन रिजेक्ट अभी के टाइम में हो रहा है। लेकिन मानो आप लोग लोन तो ले लेते हो, कितना भी अमाउंट हो सकता है, किसी में 5,000 मिला, किसी में 10,000, किसी में 20,000, किसी में 50,000, अब वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हो। जब लेना था आपने ले लिया, अब क्या हुआ कि मुसीबत और ज्यादा बढ़ गया आप लोगों के ऊपर। कोई सिचुएशन हो सकता है, कुछ हुआ है, आपका जॉब लॉस हो गया है, जब आपका पास पैसा था तब आपने लोन लिया था, तब लगा था कि भाई ये काम मैं कर लेता हूँ, पैसा मुझे मिल रहा है, तब मेरे पास जो भी पैसा है मैं मंथली बेसिस में जो भी बन रहा है EMI 2,000-3,000-4,000 बन रहा है, मैं मंथली पेमेंट कर दूंगा जो भी सैलरी आएगा। अब जॉब अगर चला जाता है, बिजनेस अगर लॉस हो जाता है, आप लोगों को ये पहले से थोड़ी पता था कि आपका बिजनेस बैठ चुका होगा या फिर जो भी है आप लोगों का जॉब लॉस हो जाएगा, ऐसा आप लोगों को पता नहीं होता है। आप लोग पहले ही जो भी है आप लोग प्रेडिक्ट थोड़ी कर पाते हो कि ऐसा कुछ हो सकता है इन फ्यूचर। आप लोग प्रेजेंट के बारे में सोचते हो, ठीक है, कि आप अभी के टाइम में जो भी है वो मैं कर लेता हूँ, बाद का बात जो है बाद में देखा जाएगा। तो क्या होता है कि आप लोग लोन तो ले लेते हो, उसके बाद जब रिपेमेंट का टाइम आता है तब आप रिपेमेंट नहीं कर पाते हो। रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया, हेल्थ इशू भी हो सकता है, बहुत सारे ऐसे रीजन भी हो सकता है। अब यहाँ पर अगर मानो आप रिपेमेंट नहीं कर पाते हो, ये कंपनी आप लोगों को 5 मिनट के अंदर लोन दे रहा है, अब यहाँ पर 5 मिनट के अंदर लोन दे रहा है ये जो भी कंपनी, आप लोगों को पता है ये RBI से लाइसेंस्ड है, NBFC है, NBFC का मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है, मतलब इन लोगों के पास बैंक के जिस जैसा ही जो है ये कामकाज करते हैं, लेकिन बैंक क्या करते हैं, डिपोजिट करते हैं, ये डिपोजिट करता नहीं है, नॉन डिपोजिट टेकिंग है, ठीक है। तो ये जो भी है आप लोगों को सिर्फ लोन प्रोवाइड करता है, और मानो यहाँ पर पर्सनल लोन देता है, ये जो भी लोन का कैटेगरी होता है ये अनसिक्योर्ड लोन होता है, सिर्फ आधार कार्ड, KYC, पैन कार्ड के थ्रू ही आप लोगों को लोन मिल रहा है, कोई भी आप लोग वहां पर मॉर्गेज रख नहीं रहे हो। अगर मानो आप लोग रिपेमेंट नहीं कर पाते हो, रिपेमेंट अगर नहीं कर पाते हो तो यहाँ पर आप लोगों के पास मतलब ऐसा कोई सामान आप वहां पर गिरवी तो रख नहीं रहे हो कि वो उसको बेच देगा और पैसा वापस ले लेगा, उनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, वो सिर्फ आप लोगों को डराएगा, धमकाएगा, आप लोगों को एट द एंड तक परेशान करता जाएगा कि भाई पैसा मुझे मिल जाए बस जैसे तैसे करके। आप लोगों को एजेंट्स के थ्रू ये बोलने को सुनने को मिलता है कि भाई लीगल एक्शन लेंगे, भाई आपको कोर्ट तक लेके जाएंगे, हाँ भाई आपके घर पे पुलिस आएगा। आज तक किसी के घर पे कुछ पुलिस वगैरह ऐसा कुछ सुनने को मिला है, आया है अनसिक्योर्ड लोन के कैटेगरी में, पुलिस के पास इतना वक्त नहीं होता, ठीक है, और ये जो भी है पर्सनल लोन में इन्वॉल्वमेंट होता भी नहीं है, ठीक है। जो भी मानो बिजनेस लोन वगैरह लेता है ना, वो भी जो है बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट का होता है लोन होता है, और वो बिजनेस अगर होता है तो वो सिक्योर्ड भी होता है, कुछ पैसा वहां पर डिपॉजिट या फिर कुछ ऐसा चीज जो है वहां पर डिपॉजिट करते हैं तभी उनको बिजनेस लोन मिलता है, ठीक है। तो यहां पर वो बाद वो जो चीज है वो बाद अलग चीज है कि वो कैसे लेते हैं क्या नहीं लेते हैं, लेकिन अभी आप लोग फंसे हो, इससे आप लोगों को निकलना है। कैसे निकल सकते हो क्या सकता है आप लोगों के साथ ये सर? तो देखिए सबसे पहले आप लोग अगर डिफॉल्टर हो, रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, मन में जो डर है वो डर आप लोग खत्म करो। जब तक आप ये डर खत्म नहीं करोगे तब तक आप लोगों को इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। आप लोग निकलना चाहते हो लेकिन निकल नहीं पा रहे हो, क्यों नहीं निकल पा रहे हो, क्योंकि आपके मन के अंदर जो डर है वो खत्म ही नहीं हो रहा है। जो भी वीडियोस आप देख रहे हो, मेरा वीडियोस देख रहे हो, तब आपका मन से डर खत्म हो रहा है, थोड़ी देर बाद अगर फोन आ जाता है, SMS आ जाता है, लीगल नोटिस आ जाता है तो आप लोग फिर से डर जाते हो। इससे फायदा हो क्या रहा है, वीडियो देख रहे हो
मैं जो बात बोल रहा हूँ वो बात सुनने के बाद आप लोगों के मन के अंदर डर कम हो रहा है, लेकिन जब SMS लीगल नोटिस मेरे वीडियो देखने के बाद अगर आ जाता है तो आप लोगों के मन के अंदर डर क्यों आता है? यहां पर जो डर आ रहा है आपके मन में, जो कम करने के लिए मैं वीडियोस बना रहा हूं आप लोगों के लिए, वीडियोस जो भी शेयर कर रहा हूं, इसमें तो मैं आप लोगों को यही बोलता हूं ना, कॉल्स को इग्नोर करना है, लीगल नोटिस आए इग्नोर करना है, किसी का फोन उठाना नहीं है, मतलब कॉल्स इग्नोर एक ही बात है। तो आप लोग समझो चीज को, मैं यहां पर जो भी बोल रहा हूं इसको प्रूफ वाइज मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, एक्सपीरियंस किया हूं मैंने, ठीक है, एक्सपीरियंस किया है मैंने। तो आप लोगों को जो भी चीजें बता रहा हूं टोटली एक्सपीरियंस रिसर्च सब कुछ करके बताता हूं। अब ये जो भी कॉल्स आपके पास आता है और जो भी धमकी आपको मिलता है, यहां पर ये धमकी देने का भी रीजन है, लोन आपने लिया है, आपको किसी और के बारे में पता नहीं है कि वो और भी जो है आपके जैसा लोन डिफॉल्टर है, आप सिर्फ आपके अकेले के बारे में सोच रहे हो, भैया कंपनी अब आपके बारे में कुछ करेगा, आपके साथ कुछ करेगा, कोर्ट में लेके जाएगा, ऐसा ऐसा होगा। लेकिन आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपके जैसे लाखों लोग यहां पर, 50 लाख लोग अगर लोन लिया है, उसमें से अगर मानो 20 लाख लोग ने भी डिफॉल्ट कर गया है, तो आप लोग समझो चीज को, 20 लाख लोगों के ऊपर सेम तरीके का हैरेसमेंट करता है, सेम तरीके का धमकी मिलता है, क्या उसको सभी 20 लाख लोगों को कोर्ट तक लेके जा सकता है? सभी पैसा तो एक साथ इकट्ठा होगा तभी करोड़ों में आएगा, एक का पैसा लेगा 10,000, एक का पैसा लिया 20,000, इससे उन लोगों का फायदा थोड़ी होगा। अगर केस करना होगा तो सभी के ऊपर करना होगा, और सभी के ऊपर करना पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग समझ लो कि आप लोगों के ऊपर कोई भी ऐसा चीज होने वाला नहीं है कि आपके ऊपर केस करेगा और आप ही लोगों को जेल भेज देगा। जेल तो कभी होता ही नहीं है, पुलिस भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा और कोर्ट तक जाएगा भी नहीं वो। बस वो लोग क्या करते हैं, डराते हैं लोगों को, डराने से ही उनका 80% काम हो जाता है, लीगल नोटिस से 80% 85% काम हो जाता है। कॉल में जो डराते हैं उनको पैसा क्यों देते हैं एजेंट्स को, भाई गाली गलौज करना है भाई, डराना है, कंपनी के बारे में इंटरनल चीजें उनको पता नहीं है, लोगों को पता नहीं है, तो वो जैसे डराएगा, भाई लोन लिया है सबके मन में ये बैठा हुआ है, लोन लेने के बाद पेमेंट नहीं करने के बाद आप लोग जो है क्राइम कर दिए हो, आप लोगों को जेल हो जाएगा, ऐसा चीज कभी नहीं होता। बस आप लोगों को डराने के लिए वो आपके मन में बैठा हुआ है, जब तक आप डरोगे तब तक उनका काम बनेगा, जब आप डरना बंद कर दोगे उनका काम बंद हो जाएगा। बस ये चीज आप लोग समझ लो, जब तक आप ये चीज नहीं समझोगे तब तक आप इससे निकल नहीं पाओगे। और यही बात आप रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, आप लोगों को अपना खुद का टाइम लेकर रिपेमेंट करना है, ऐसा नहीं कि आपको अभी बोला जा रहा है 5 मिनट के अंदर पेमेंट करो नहीं तो देखो मैं तुम्हारे साथ क्या हाल करता हूं। आप लोगों को बस इग्नोर करना है, अगर आपको बोलना है तो ज्यादा से ज्यादा यही बोलना है कि जो उखड़ना है उखड़ ले, मेरे पास जब पैसा आएगा मैं पेमेंट कर दूंगा, इससे पहले अगर तुम कुछ भी करोगे मैं पैसा देने वाला नहीं हूं, मेरे पास है नहीं तो कहां से दूंगा, तुमको कोर्ट लेके जाना है लेके जाओ, पुलिस भेजना है भेजो, बस इसी तरीके से कॉन्फिडेंट वे में बात करना है, डरना नहीं है कि वो सच में आपके पास पुलिस लेके चलाएगा, कभी भी ऐसा होता नहीं है। 2024 चल रहा है, ठीक है, 5 साल से मैं देख रहा हूं ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है आज तक, आगे भी होने वाला नहीं है। बस आप लोगों को डरा कर आपके मन के अंदर जो भी डर है उसको कंटिन्यू रखने की कोशिश कर रहे हो, आप लोग दर्द एक बार निकाल के आप लोग देखो, डेफिनेटली मैं आप लोग गारंटी के साथ बता सकता हूं कि ये लोग जो भी आप लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी आप लोगों को मतलब जिस तरीके से आप लोगों को परेशान करते हैं, वो परेशान करना बंद कर देगा, क्योंकि डरेगा कोई नहीं तो परेशान करके फायदा होगा क्या, तो डर रहे हो इसलिए वो लोग परेशान कर रहे हैं, ये चीज आप लोग समझो, ठीक है। तो अगर आप रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, कंपनी आप लोगों के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेता है, बस आपको बोलेगा कि मैं करूंगा ये, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन करता कुछ भी नहीं है, वो करूंगा में ही अटका होता है, और वो करूंगा में ही 85% लोग डर जाते हैं, और उसी 85% में थोड़ा सा जो भी लोग आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वीडियो के थ्रू मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड किया है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप पूरा वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों के मन के अंदर जो भी डर था 100% कम हो गया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले, तब तक के लिए चलते रहो, टेक केयर, जय हिंद जय भारत दोस्तों।